बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव इंडिया आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि हज कुरानदाजी आन पहुंची है। आप अगर भाई हज के लिए जाना चाहते हैं तो आप अभी भी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। जो टाइम टेबल इसके मुतालिक बता दिया गया है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं पैकेज यहाँ पर शेयर कर दूंगा। आपको पता होगा जी 12,000 प्लस था, फिर 13,000 रियाल की बात कर रहा हूँ, 13,000 रियाल प्लस था, और सॉरी 14,000 रियाल प्लस था दूसरा, और तीसरे वाला पैकेज 16,000 रियाल प्लस में था। तो मैं उस वक्त सुन रहा था कि भाई 60,000 बंदों ने हज करना है इस साल, तो 60,000 बंदों में कौन आएंगे जो यहाँ से, और फिर बाहर से हाजी नहीं आ रहे थे, यहाँ के मुकीम अफराद थे जिनमें गैर मुल्की और सऊदी हजरात थे। मैं ये सोच रहा था जब 60,000 दरख्वास्तें पूरी हो जाएंगी तो उस टाइम बाइक स्टॉप कर दी जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे पता चला था, मैंने आपके साथ वो न्यूज़ भी तफसील के साथ शेयर की थी आप कैसे दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तो वो न्यूज़ भाई शेयर की थी आपके साथ मैंने कि उसमें आपको भाई दरख्वास्त तो आप दायर कर सकते हैं लेकिन कुरानदाजी होगी, कुरानदाजी में आपका नाम निकलेगा। और अभी आपको ये बता दूंगा किन बंदों को सर्रेफरिस्त रखा जाएगा, इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता हूं मैं। सबसे पहले तो आज 13 ज़िलकादा, भाई आज रात 12 बजे तक आप अभी भी दरख्वास्त भेज सकते हैं, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। कल 14 तारीख को भाई उन बंदों के नाम यानी कुरानदाजी कर दी जाएगी, और 15 ज़िलकादा की बात कर रहा हूं मैं, 15 ज़िलकादा को भाई अनाउंसमेंट कर दी जाएगी उन 60,000 अफराद की जो इस साल हज पर जा सकेंगे। इनमें सर्रेफरिस्त जिनको रखा जाएगा उनके मतलब यही कहा जा रहा है कि जो जिनको सर्रेफरिस्त रखा जाएगा उनमें भाई वो बंदे होंगे जिनको इस वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी हैं। जी मेरे भाई, जिन बंदों को इस वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी हैं उनको सर्रेफरिस्त रखा जाएगा, और 50 साल से लेकर 65 साल वाले अफराद को सर्रेफरिस्त रखा जाएगा। हैरत वाली बात है ना, क्यों? क्योंकि इन बंदों को तो भाई वैक्सीन लाजम लगनी चाहिए, इनको भाई आपको पता है जी इनमें वायरस फैलने के ज्यादा चांस होते हैं, लेकिन इन बंदों में अगर दो वैक्सीन लगी होंगी इनको इसलिए भाई सर्रेफरिस्त रखा जाएगा क्योंकि ये एक तो बुजुर्ग अफराद में आएंगे, दूसरा इनको जो दो वैक्सीन की खुराकें लगी होंगी, और तीसरा इनमें से जिस भी किसी ने पहले हज किया होगा उसे भाई उसके चांस कम होंगे। जो बंदे 50 से 65 साल के दरमियान में होंगे, दोनों वैक्सीन की खुराकें ले चुके होंगे, पहली बार हज के ऊपर जा रहे होंगे, उनका नाम तो मेरे हिसाब से भाई 100% आएगा। बाकी कुरानदाजी है जी, कुरानदाजी में किसी का भी नाम निकल सकता है, ये तो कल ही पता चलेगा, और 15 ज़िलकादा को इसके मुतालिक तफसील से ऐलान कर दिया जाएगा। मैं आप भाई उसके साथ कोशिश करूंगा कि वो 60,000 अफराद के नाम या उनमें से कुछ नाम यहां पर शेयर कर सकूं, वो वीडियो भी आपके साथ तफसील से शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।